में माता रानी को मनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन माता रानी को कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत प्रसन्न हैं। उनमें से हैं इलायची यानी कि हरी इलायची, कमल गट्टे के बीज और हल्दी की गांठ। ये तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। लेकिन प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे माँ को अर्पित करेंगे और कब करेंगे, आज हम बहुत सारी बातें बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, देवी मंडपों में, क्योंकि माँ के नौ अलग स्वरूपों की अलग अलग दिनों में आराधना होती है, और यदि आप विद्यार्थी हैं खासकर, तो आप एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी तरह के नौकरी की तलाश में हैं, करियर को बनाने को संवारने को कोशिश कर रही हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तब ऐसे में आप एक छोटा सा प्रयोग कर लें तो आपके जीवन में बस ये समझ लें कि माँ भगवती ने चाहा तो उनके आशीर्वाद से आपके करियर संबंधित जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरा होगा। तो नौकरी, रोजगार या फिर आपके जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आप एक प्रयोग करें। देखिए, हर माँ के रूप के अलग अलग पूजा विधान हैं, हर रूप को अलग तरीके से चीज़ें अर्पित की जाती है, लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं, इस हल्दी का प्रयोग आप किसी भी नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हल्दी जो है आपके भाग्य को भी संवारता है और जीवन में खुशियों को भी लौटाता है। एक सिंपल सा प्रयोग आपके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहला प्रयोग, अगर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी रोजगार में तरक्की हो, बरकत हो, विद्यार्थी हैं आप, कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, पढ़ाई में मन लगे, तो एक छोटा सा काम कीजिए। आप एक कटोरी ले ले, स्टील की भी कटोरी ले सकते हैं, या फिर आपके चांदी की डिब्बी है तो जो भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो है वही ले लीजिए। पांच हरी इलायची, पांच कमल गट्टे के बीज और पांच हल्दी के गांठ, पीली हल्दी के गांठ। गांठ मतलब पाउडर नहीं, गांठ मतलब होता है साबुत हल्दी। अब इन सभी चीजों को आप कटोरी में रखे या चांदी की डिब्बी जो भी आपके पास है, चांदी की कटोरी उसी में रख ले। अब माँ दुर्गा के सामने इनको रख दे, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा नवरात्रि में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कार्तिकेय जी महाराज और माँ दुर्गा का भी पूजा होता है, इसे आपका एक साथ, तो आप वहाँ पर रख दें। और इसको तब तक रखिएगा वैसे, जब जैसे कि आप मान लेते कि नवरात्र खत्म हो गया, तो इसको संभाल कर आपको रख लीजिए, पूजा स्थान पर रखिए कई साइड में, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, और भगवती माँ दुर्गा जो हैं वो आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब आप इन सभी चीजों को कहीं मिट्टी में डाल दें। वैसे तो आपको ओम ऐं ओम ओम ऐं ओम इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। विवाह संबंधित कैसी भी बाधा हो, आप भगवान सूर्य को जल देते समय एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो विवाह की बाधाएं दूर होती है। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो माँ दुर्गा को दो हल्दी की गांठ अर्पित कर दें। पीली हल्दी की गांठ दो ले लें और माँ को अर्पित कर दें। अब अर्पित करने के बाद पीले कपड़े या लाल कपड़े में इसको बांध कर धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी होगी ही नहीं, धन बढ़ता चला जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद धन की मुश्किलें दूर हो जाती है। वैसे तो नवरात्र में अगर व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं, तो हल्दी मत खाइएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नवरात्र के व्रत में हल्दी नहीं खाना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं तो। तो ये तो थी एक सिंपल सा प्रयोग, लेकिन अब हम आपको एक छोटे छोटे 11 महाप्रयोग बताएंगे। कोई भी अपने रूप मनोकामनाओं के अनुसार आप इस नवरात्रि में प्रयोग कर लीजिएगा। हल्दी आपके घर में होगा, नहीं है तो बस 50 ग्राम के पैकेट मंगवा लीजिए, पूरा घर में रखिए। अब बहुत दो चार खरी हल्दी के जो गांठ होती है उसको भी मंगवा लीजिएगा। देखिए, हल्दी का जो सीधा संबंध है वो बृहस्पति नामक ग्रह से है, और आपने देखा होगा कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में हल्दी का प्रयोग जरूर होता है, क्योंकि यह सगुन भी है और दूसरा नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता भी है और सेहत भी अच्छा करता है और खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो हल्दी का, पीला हल्दी का संबंध गुरु से है,
और नारंगी वाला हल्दी का संबंध मंगल से है, तो हमको आपको पीले हल्दी का ही प्रयोग बताएंगे। तो जब आप पूजा करते हैं तो नियमित रूप से पूरे नवरात्र में पूरा लाइफ भी आप कर सकते हैं। आप हल्दी पाउडर का यूज करें। पहले हल्दी पाउडर एक कटोरी में ले, एक बूंद पानी डाले, उसको अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में लगाई और भगवान श्री कृष्ण को लगाएं और फिर अपने कलाई में, अपने गले में, गर्दन में लगाएं। आपका गुरु मजबूत होगा, वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आप जहां जो फूलेंगे वो आपके वेट करेंगे, आपकी सम्मान बढ़ेगा। और अगर आपका पेट संबंधित कोई भी समस्या है तो पास के किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर हल्दी का थोड़ा दान कर दे, पैकेट या पाउडर जो भी आपको सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, तो एक छोटा सा काम करें, आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ है आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर को पानी में घोल ले और लेकर चले जाए पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ में एक काफी हल्दी के घोल से पहले लिखिए अपना नाम, नाम मतलब कि पूरा नाम मत नहीं लिखना है, पैम का पहला अक्षर, या आप चाहे तो वहां पर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः लिख दें या ओम लिख दें। अब उसके नीचे आपके जो समस्या है, जो मनोकामना है लिखे, हल्दी से ही लिखना है। आप चाहे तो एक कटोरी में घोल लीजिए हल्दी थोड़ा सा और एक लकड़ी में थोड़ा सा रुई लगाकर उसको लिख के चले जाइए, उसी की सहायता से डुबो डुबो कर लिखे जल्दी हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, उसके नीचे लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लिख ले, फिर अपने समस्या या मनोकामना लिखे, फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखे, फिर अपने पीछे घर आ जाए अपने समस्या को बोलकर, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। अगर दो हल्दी की गांठ लाल कपड़े में रखकर आप इस नवरात्र के दिनों में मां लक्ष्मी को या भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दें, लाल कपड़ा में इसलिए कहा क्योंकि पीला कपड़ा तो गुरु को अर्पित करेंगे, जब मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो लाल या गुलाबी कपड़ा ही यूज कीजिएगा, आपका धर्म पता चलाएगा और इसके आपको वहीं पे सुरक्षित रखें। आप दीपावली के समय इसको फिर बताएंगे क्या करना है। वैसे अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है, आपको लगता है जैसे कि नकारात्मक शक्ति बहुत परेशान करी है, घर में भारी पन सा लगता है, बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तब इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उलझने हैं। तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारों तरफ हल्दी से रेखा खींच ले। आप चाहें तो हल्दी का घोल से भी हल्का सा पलर से आप बाउंड्री वाल बना दीजिएगा चारों तरफ से, तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी। अगर जीवन में ज्यादा मुश्किल हो तब एक लाल कपड़े में थोड़ा सा चावल ले, उसमें दो हल्दी की गांठ, एक सिक्का रखें और थोड़ा सा दुर्गा घास रखें। अब इस कपड़े को पोटली बना ले, अगर लाल कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा भी ले सकती है, पोटली की तरह बना ली और इसको अपने किचन में कहीं छुपा के रख दें। पूरे साल आपके किचन में मान पूर्णा का वास रहेगा और आपके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होगी। तो मां अन्नपूर्णा को मनाने के लिए, धन की बरकत के लिए छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, ज्यादा चावल नहीं लेना, थोड़ा सा ही लीजिएगा, बस 5 टुकड़ी में हो जाएगा। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो हल्दी की गांठ मौली धागा से लपेट कर आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, 6 महीने में चेंज कीजिएगा। इसी भी तरह का सकारात्मक के प्रभाव आता रहेगा, नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। वैसे तो एक चुटकी हल्दी अगर आप भगवान गणेश को पूरे नवरात्र में अर्पित करें तो विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती है। अगर आप कोई ऐसे विशेष मनोकामना है, संतान की, घर की, धन की, जो भी गुरुदेव दे सकते हैं वैसी कोई मनोकामना है, तब एक चुटकी हल्दी आप कागज में पुरिया बनाकर श्री हरि माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे छुपा कर रखते तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूरे नवरात्र में एक छोटा सा काम कीजिएगा, पानी में एक चुटकी हल्दी घोल लें, पानी कटोरी में ले लें या लोटे में ले लें, आप इसको पूरे घर में रोज छिड़किए, नहाकर, नहाने के बाद या फिर पूजा कीजिए, निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, चीजें आपके पक्ष में आएगी, किसी भी तरह की कोई टेंशन से आप बचे रहेंगे। तो हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, नकारात्मकता दूर होती है, इसीलिए हल्दी का, हल्दी से हवन भी, यज्ञ भी होता है। और हल्दी की माला से अगर आप इस नवरात्रि में मंत्र जपते हैं माँ लक्ष्मी की, तो जीवन में धन लक्ष्मी बढ़ेगा। और हल्दी और चावल,
चावल यानी कि जैसे कि चावल थोड़ा सा भिगो ले आधा घंटा और इसको पीस ले, इसमें हल्दी पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट बन जाएगा गाढ़ा सा, और इसको छह पूजा या नवरात्रि में कभी भी किसी दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बना दीजिएगा, या तो ऊपर या दोनों साइड दीवार के चौखट के साइड में, और स्वस्तिक के दोनों साइड दो घड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। यह स्वस्तिक को बांधता है, लक्ष्मी को स्थिर करता है। आप देखिएगा बरकत भी होगा, धन भी आएगा, सुकून भी आएगा, और इस नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा से खुशियाँ लौट आएगी, जिसकी आप हकदार हैं, जो आपसे निराश हो चुके हैं जहाँ से वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।